नमस्कार, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तभी आप बहराइच के दंगे को समझ पाएंगे, क्योंकि आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो सरकार गरीब निर्धन दलित समाज की दबी कुचली गुड़िया की लाश रात में मिट्टी का तेल डालकर जला देती है और कहती कि हमने इसलिए जला दिया क्योंकि हमको कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, और उसके बाद तमाम ऐसी खबरें आई, फिर कथित फर्जी एनकाउंटर वाले मंगेश यादव की लाश को भी रात में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सोचिए, बहराइच में रविवार को गोपाल मिश्रा को गोली लगती है, उसकी मौत हो जाती है, और आज सोमवार को उसकी डेड बॉडी घर लाई जाती है। 5,000 लोग इकट्ठा थे, लाश को लेकर गोपाल मिश्रा के पक्ष ने 5 किलोमीटर की यात्रा की। क्यों भाई, लाश लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा करने की इजाजत पुलिस ने क्यों दी? यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर नहीं था, या फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगाड़नी ही थी? देखिए दोस्तों, बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल कल हुआ। बीजेपी ये तय करती है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाएं। बीजेपी ये भी तय करती है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर कितनी तेज बजेंगे। लेकिन बीजेपी ये नहीं तय करवा पाई कि दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में मोदी आरती और भाजपाई भजन क्यों बज रहे थे। क्या पुलिस की देखरेख में दूसरे पक्ष को प्रवोक करने की कोशिश नहीं थी? ये धार्मिक यात्रा थी या फिर पॉलिटिकल यात्रा? ये सब देखने के बाद साफ दिखाई देता है, बहराइच में जानबूझकर दंगे की पटकथा तैयार की गई। वो लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात करे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। कहते हैं 20 राउंड फायरिंग कल हुई, बवाल कल हुआ, लेकिन आगजनी और दंगे जैसी सूरत आज बनी। जो कल नहीं हुआ, क्या वो आज होने दिया गया? लाश लेकर 5 किलोमीटर की पद यात्रा आखिर क्यों करने दी गई, जब दलित समाज के लोगों को, जब पिछड़े समाज के लोगों को किसी घटना में मौत होने के बाद लाश लेकर घूमने की इजाजत नहीं देती है यहाँ पर सरकार, तो फिर यहाँ पर रैलीबाजी क्यों करने दी गई? इन सवालों के जवाब पुलिस नहीं देगी, लेकिन दोस्तों आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके बच्चे ये कर रहे हैं और उनके बच्चे वो कर रहे हैं, ये अकेली तस्वीर लाखों करोड़ों शब्दों के बराबर है। आपके बच्चे मजहब के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं, और ये तस्वीर बताती है कि एक कौम अकेले कुछ नहीं कर सकती, साथ चलना पड़ेगा। उनके बच्चे तो साथ चल रहे हैं, क्या आपके बच्चे चल रहे हैं? अपने बच्चे के भीतर, अपने भीतर भरी नफरत की थाल लेकर देखिए जरा। 2 मिनट बैठिए और सोचिए कि किधर जा रहे हैं आप। बहराइच में हरा झंडा कमान की छत से नोचते इस युवक का नाम गोपाल मिश्रा है। गोपाल मिश्रा दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन का जुलूस लेकर जा रहा था। सूचना के मुताबिक पत्थरबाजी हो गई, साथ में योगी जी की पुलिस थी। साहस और बढ़ गया। गोपाल मिश्रा एक छत पर चढ़ गया जिस पर हरा झंडा लगा था। हरे झंडे को छत पर लगी रेलिंग समेत नोच लिया गया, फिर किसी ने गोली मार दी। 22 साल की गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। गोली किसने मारी पता नहीं चला। FIR में मुस्लिम पक्ष के नाम है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही गोली चली ये बताया जा रहा है। फिर देखते ही देखते 20 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। इतवार के दिन इतना हुआ, सरकार चाहती तो इसके आगे कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही दिन शुरू होता है असली खेल। डेड बॉडी घर लाई गई, सोमवार को बवाल और बढ़ गया, लाश लेकर यात्रा निकाल दी गई, आगजनी होने लगी। STF चीफ हाथ में रिवॉल्वर लिए चीजें कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। सरकार चाहती तो कुछ भी नहीं होता, योगी आदित्यनाथ तो गारंटी देते हैं कि यहाँ पर कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती, तो फिर ये दंगा कैसे हुआ? चलिए 2 सवाल और पूछ लेती हूँ। योगी सरकार के पास जवाब हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। जब दुर्गा प्रतिमा का रूट पहले से तय था, तो फिर पत्थरबाजी कैसे हो गई? पत्थरबाजी के बाद गोपाल मिश्रा मुस्लिम समुदाय की छत पर झंडा उखाड़ने के लिए कैसे चढ़ा? तो कुल मिलाकर लाश और बर्बादी के ढेर पर चढ़कर इलेक्शन का माहौल गर्म किया जा रहा है, ये सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बुलडोजर चलाने का स्कोप बनाया जाएगा, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 2024 में सबने नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट किया। जानकार कहते हैं कि सबको फिर से जातियों की छतरी से निकालकर हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है, और यह बहराइच का दंगा उपचुनाव की प्रैक्टिस मात्र है। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया गया, आसपास के 6 जिलों से फोर्स और PSC बुलाई गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। बहराइच के SP वृंदा शुक्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समुदाय से लोग आए,
बैठकर बात करें तभी तो समाधान निकलेगा। इस वीडियो के थ्रू मेरे अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग अपने बच्चों को अपने संबंधियों को राजनीतिक टूल मत बनने दीजिए। आंखें खोलिए और देखिए और सोचिए कि आपके बच्चे ही हर बार अलग अलग यात्राओं में क्यों राजनीति का शिकार हो जाते हैं। क्या आपके इलाके के कोई विधायक का बच्चा, कोई मंत्री का बच्चा, कोई पार्षद का बच्चा मूर्ति विसर्जन यात्रा में मारा गया? क्या किसी सांसद का बेटा मारा गया? सोचिए, जागिए। राजनीतिक लोग आपको टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर।